The whole human body is largely based on seven meridians hmm? yogic philosophy mein में उसको बोलते हैं सात चक्र hmm? चक्र is like again a moving डिस्क where energy is moving in a certain way. और इसको सम हीलिंग साइंसिस में मेरिडियन बोला जाता है तो पूरे ह्यूमन शरीर में सात मेरिडियंस हैं एक्चुअली बहुत सारे हैं बट सात चीफ हैं। Let's कॉल them चीफ meridians. मेरिडियन इज वॉट इंटरसेक्टिंग पॉइंट नाड़ियाँ तो योगिक और आयुर्वेदिक सेंस में वी टॉक अबाउट नाड़ीज तीन मेन नाड़ियाँ हैं ह्यूमन बॉडी की ईड़ा ऑन द लेफ्ट साइड पिंगला ऑन द राइट साइड एंड सुषुषम ऑन द सेंट्रल चैनल राइट आई थिंक वो मेडिकल साइन भी शायद बेस्ड ऑन दिस होगा आई डो नॉट नो वो एक लाइन है और उसमें ऐसे ऐसे चलता ना दैट्स ऑफ द

सो द लोएस्ट सेंटर ऑफ दिस एनर्जी इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्पाइन बिटवीन द जेनिटल्स सो वी हैव टू जेनिटल्स बेस्ड ऑन दैट कॉल्ड पेरीनियम बोलते हैं उस एरिए पेरीनियम तो जब हम अगर ठीक से आलती पालती लगा के बैठें तो एक मोमेंट आलती पालती का ये है विल यू जस्ट शो वेयर यू कीप दील ऑफ योर लेफ्ट फुट प्रेसिंग द बेस सेंटर ऑफ योर बॉडी so if you see the left foot of anandi is pressing the base center of the of the two organs that we have uh, this is the central point where the base energy chakra is based It is the space between the genital and the right yeah uh, you don't need to sit in that posture i'm just trying to display you the location mooladhara in hindi we call it mooladhara इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी बिकॉज ये वो सेंटर है जो आपको ग्राउंडेड रखता है या अर्थ इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेंटर हर सेंटर का एक एलिमेंट है पाँच एलिमेंट है नेचर में हर सेंटर का एक एलिमेंट है मूलधारा का एलिमेंट इज अर्थ वाई अर्थ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द ग्राउंडिंग एंड उपज फर्टिलिटी दट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थ एलिमेंट हर चक्र का कलर है विल नॉट गो इन टू दैट वी ट्राइंग टू कीप इट वेरी सिंपल. अबव दैट इज स्वादिष्टाना द सेकेंड सेंटर ऑफ आर बींग बिटवीन द बेस एंड द नेवल समवेयर मोर टुवर्ड्स द बेस या तो वो मूलाधारा से बहुत क्लोजली आई थिंक अगर इंचज में बात करें एक डेढ़ इंच ऊपर होता है वो मूलाधारा से द सेकेंड सेंटर एलिमेंट इज वॉटर नाउ लुक एट इट वेरी केयरफुली मूलाधारा जिसको हम बेस बोल रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ दैट इज इफ यू फील लॉट ऑफ फियर इन यू आपको ग्राउंडिंग नहीं लगता आपको लगता है कि यार आप अपने घर भी जाते हो तो आपको लगता है घर जैसी फीलिंग नहीं आती यू फील लिटिल डिससोसिएटेड इवन विद यर ओन हाउस इन सम वेज इन अ फियरफुल वे लेट्स ए या किसी भी तरह के भय है आपके भीतर इट्स एसोसिएटेड विद द बेस चक्रा मीनिंग दैट द एनर्जी इज नॉट रियली फ्लोइंग प्रॉपरली इन दैट चक्रा द एक्टिवेशन इज नॉट प्रॉपर स्वादिष्टान उसके ऊपर द एलिमेंट इज वॉटर सो इफ द इज एनी प्रॉब्लम विद द वॉटर दैट वी हैव इन द सिस्टम और द अबाउट सेवेंटी परसेंट वाटर इन द बॉडी सो लिक्विडिटी रिलेटेड कुछ भी अगर सिस्टम में प्रॉब्लम है दैट्स एसोसिएटेड विद दिस सेंटर एंड एंड फ्लुइडिटी अगर आप कम फ्लेक्सीबल हो जिंदगी में विद योर थॉट्स विद योर यू नो इवन फिजिकल मूवमेंट ऑल्सो दिस अ हाई चांस दैट द एनर्जी इज बिट ब्लॉक देअर एट अ स्वादिष्ट सेंटर अट टूगेदर सो फार ओके ऊपर चलें थोड़ा सा मणिपुरा द थर्ड सेंटर इट इज ऑलमोस्ट एट द नेवल बट यूजली लिटल बिलो द नेवल तो जहाँ भी आपका नेवल है समझ लो उसके uh, आधा इंच नीचे बट रिमेंबर दीज सेंटर्स आर नॉट ऑन द फ्रंट ऑफ द बॉडी दीज आर लोकेटेड ऑन द स्पाइन बिकॉज चैनल्स आर वॉकिंग थ्रू द स्पाइन बट हम क्योंकि स्पाइन पे एरियाज नहीं है लोकेट करने के लिए एल फाइव एल सिक्स की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ अस वी डू नॉट नो वेयर इज एल फाइव वेयर इज एल सिक्स एटसेट्रा सो वी आर टॉकिंग द फ्रंटल बॉडी This the element of this chakra is fire and heat. So any issues that you have with your system of let's say excessive fire, some people are really hot, not hot enough. That sense, <laughs> uh, but they generate more heat. Yeah, uh, if digestion's my issue, which means jathar agni, the agni which is responsible for digestion, if that is weaker, meaning this center is somehow not.

आप अपने रिब्स को टच करो जहाँ पे जो ऐसा शेप है रिब का जहाँ ये रिब केज मीट करता है यू नो देयर इज अ पॉइंट हेयर वेयर दिस मीट्स दिस इज द पोजिशन फॉर अनाहदा एलिमेंट इज वायु सो इफ देर इज एन इंबैलेंस ऑफ वायु इन योर सिस्टम एक्सेसिव लो मीनिंग अनाहदा इज नॉट रियली वर्किंग प्रॉपरली एंड इफ यू फील लेस इमोशनल और ओवर इमोशनल कई लोग होते हैं बिल्कुल इमोशन ही नहीं है जैसे मतलब आपको पता ही नहीं चलता ये आदमी क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है उसका फेशियल एक्सप्रेशन ही नहीं होगा या किसी का बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्रेशन है हाँ तो बोथ में दे अनादा इज नॉट रियली वर्किंग प्रॉपरली या तो ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है सी दो दोनों में इशू है ओवर भी होगा तो भी इशू अंडर है तो भी इशू राइट बट दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेंटर बिकॉज दिस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ योर सिस्टम नाउ वी टॉक अबाउट द फोर्थ सेवन में से चार की हम बात करें तो दिस इज सेंटर पॉइंट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस द सेंटर्स बिलो दिस आर बेसिकली नीडेड फॉर योर बेसिक सर्वाइवल देंटर्स अब आर नॉट नीडेड फॉर बेसिक सर्वाइवल दे आर द हायर सेंटर्स जहाँ पे आप आध्यात्म के जगत में आप क्रिएटिविटी के जगत में आप मोहब्बत के जगत में प्रवेश कर रहे हैं आप डिवाइन जगत में प्रवेश कर रहे हैं दैट जर्नी स्टार्ट फ्रॉम हेयर

यहाँ रिकोगशन आना शुरू होता है कि येस यूर ऑल्सो थैंक्स फॉर बींग दिस इज वेयर एलिमेंट वायु फिर इससे ऊपर चलते हैं विशुद्धि ये हम आ गए कंठ पे आ? आपके गले में एक डिप पॉइंट होता है यहाँ जहां दिव्य आपकी उंगली है या दिस डिप पॉइंट दिस इज वेयर द fifth chakra, the vishuddhi is located again. we are looking at the spine, but we are pointing at the front of the body. the element is space. if there are people whom you see, unki vaani bahut prabhav if they utter some word, it just enters into your being. the power of their vani is enormous, meaning this center is really एक्टिवेटेड बिकॉज अगर आपका विशुद्ध एक्टिवेटेड नहीं है तो आपकी वाणी में पावर नहीं होगी नो मैटर हाउ मच ग यू हैव बट वाणी एक्टिवेट नहीं होगी तो दिस गिव यू दिस गिव द पावर ऑफ द वाणी सो मे बी हिटलर की भी ये ये चक्र एक्टिवेटेड था बहुत ज़्यादा बिकॉज उसकी एक स्पीच और मिलियंस वाए मेनी टाइम्स बिकॉज दीज चक्र दीज सेंटर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आर एग्जिस्टेंस अगर ये रुक जाए सिस्टम वी आर डेड सो विच मीन्स दिज अ नेचुरल प्रोसेस विच कीप्स दीज दीज मेरिडियंस अ लाइफ दिज चक्रज अ लाइफ वो वाई बी टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज यू कैन ऑल्सो कॉन्शियसली मेक दैम मोर एक्टिवेटेड दैट्स अ होल स्परिचुअल गेम हा बहुत सारे संतों में ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है बिकॉज अगर आप परमात्मा की मस्ती में हो देन यू नो

अब एलिमेंट्स के बियॉन्ड चली गई बात अब ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड चली गई बात अब हम डीप स्पिरिचुअलिटी में घुस रहे हैं एज एस पद चक्र विल नॉट टॉक इन डिटेल अबाउट दैट सो दिस इज सेंटर आज्ञा जितने स्पिरिचुअल अनुभव आपको होने लगेंगे या जितना आप ध्यान में एस्टैब्लिश होने लगोगे जितना आप साइलेंस में एस्टैब्लिश होने लगोगे यू विल स्टार्ट टू फील सेंसेशन हेयर मीनिंग द एक्टिवेशन हैज स्टार्टेड है Hmm. इसीलिए बहुत सारे संतों के जब आप ओके सो यू विल सी लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी अहेड यू विल सी द सिम्टम्स आर ऑन द फोर हेड सो अगर आप किसी बुद्ध पुरुष के पास या बुद्ध स्त्री के पास जाओगे तो वो सीधा आपका फोर हेड सबसे पहले आंखें और फोर हेड बिकॉज ये जो जोन है फोरेड और आंखों का दिस डिस्प्ले इज एवरीथिंग अबाउट वे यू आर एस्टैब्लिश्ड या सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर पीपल हु नो द साइंस या यू डोंट नीड टू नो हमीन आई एम जस्ट आई एम जस्ट मैंशनिंग इट ऐसा नहीं है कि मतलब हम सबको इसमें महारत हासिल करनी है आई एम जस्ट सेटिंग द बेसिक ग्राउंड वर्क टू डे बिकॉज वी नेवर टॉक्ड अबाउट इट तो जैसे जैसे साधना गहरी होने लगती है यू विल चार टू सी अ लॉट ऑफ चमक है वाइब्रेंस इन दिस जोन ऑफ दैट पर्सन फिर यहाँ से जर्नी फिर और ऊपर की तरफ चलती है वी एंटर इन टू द सेवेंथ डोमेन सेवेंथ चक्रा सहस्त्रारा आरा विच इज टेक्निकली नॉट इन द ह्यूमन बॉडी अब हम ह्यूमन बॉडी के बाहर चले गए जिसको हम बोलते हैं वट इज़ दैट थिंग वी कॉल्ड और सो इफ यू डू वट इज़ कॉल्ड क्लियन फोटोग्राफर क्लिन हाँ क्लिन फोटोग्राफी क्रलियन करलियन फोटोग्राफी या किलियन फोटोग्राफी सो हम आपका तस्वीर खींचेंगे एंड देन देर आर सिस्टम्स तो वो तस्वीर आपकी बॉडी को एक सर्टेन कलर शेप में दिखाएगा बट उसके बाद लेयर्स ऑफ बॉडी दिखाता है वो आई हैव सीन दोज फोटोग्राफी सो लेट्स से अगर मेरा फ़ोटो खींचोगे आप तो वो बॉडी की शेप का तो एक इमेज दिखाएगा उसके बाद मल्टीपल लेयर्स दिखाएगा अलग अलग रंगों में कुछ लोगों का वो फोटोग्राफ इतना वाइड होता है कि वो एक फ्रेम में पूरा नहीं आता मीनिंग देर और हैज स्प्रेड सो वास्ट विच मीन्स देर सेंटर्स आर सो ओपन कि पूरा तो आप कमरे में एंटर करोगे यू विल फील दैट और अभी जैसे अगर हम सब लोग एकदम से चुपचाप बैठ जाएं, एकदम एब्सोल्यूट मेडिटेटिव साइलेंस में फॉर टाइम एंड इफ ए न्यू पर्सन एंटर द रूम तो उसको एकदम ऐसे झटका लगेगा रूम के अंदर आके एज इफ एन एनिची इज पुलिंग एम आउट कि डोंट नॉट एंटर दिज अ सर्ट इन स्पेस हेयर हाँ दिस है इवन इफ यू वर्क आउट डू अ कॉल फॉर फाइव टेन मिनट्स ऑफ एनी वर्ल्ड ली स्टफ एंडन यू वॉन्ट टू कम बैक इन टू द सेम रूम आपको एक हल्का सा पुश फील होगा इफ यूर सेंसिटिव है ना बिकॉज द कलेक्टिव क्षेत्र has taken a certain aura and it does not want that aura to be interfered and this is all science i'm talking about this is not we're not talking about any voodoo this is pure science we're talking about which can be tested which can be found out which can be photographed which can be seen etc so the seventh the sahasrara moves beyond the body in the auric space and it's somewhere jas usually male ganja on मैं काफ़ी ज़्यादा हो गया द दिस दिस पोर्शन इफ यू कैन सी दिस पोर्शन जहाँ चोटी बांधते हैं राइट दिस इज द सेवेंथ सेंटर विच इज़ नॉट इन द बॉडी इट्स फ्यू इंचेस आउटसाइड योर बॉडी अगेन वी कैन फोटोग्राफ इट एंड शो इट टू यू के भाई सत्य हम बोल रहे हैं यू नो वी नॉट टॉकिंग बाट एनी फिलोसफी और एनी स्टफ वी नॉट मेकिंग इट टू से या ブブブブーブーブーブーブーブー。